हम सिर्फ राम का नाम ही नहीं लेते बल्कि राम नाम सत्य भी कर देते हैं। योगी का गुस्सा देखकर कांप उठे विरोधी। अगले एक महीने में योगी क्या करने वाले हैं जानकर हिल जाएंगे आप। जिसका डर था क्या वही होने वाला है। योगी ने दिया राम नाम सत्य करने का आदेश। पुलिस के काबिल अफसर मैदान पर उतरे, टूट पड़े सैकड़ों बुलडोजर। यूपी पुलिस के सबसे काबिल अफसर मैदान पर उतर गए। लखनऊ से एक लिस्ट तैयार की गई है, कब किसका नंबर आएगा पता नहीं लेकिन नंबर आएगा जरूर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रयागराज और मऊ के दो बाहुबलियों के खात्मे के बाद अब तीसरा नंबर किसका है। पिछले दो साल के अंदर पश्चिम से लेकर पूरब तक यूपी के हर कोने से सैकड़ों अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अब पहली बार योगी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर हड़कंप मचा है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा है कि हम सिर्फ राम का नाम ही नहीं लेते हैं बल्कि राम नाम सत्य भी कर देते हैं। दिल्ली से सबसे बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है, क्योंकि मोदी को अगर कोई तीसरी बार पीएम बना सकता है तो सिर्फ यूपी है और यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। दो साल पुरानी ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब मोदी योगी के गले में हाथ डालकर बड़े भाई की तरह योगी के साथ नजर आए थे। 2022 का चुनाव योगी जीतकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उससे पहले योगी ने यूपी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान करके हड़कंप मचा दिया है। योगी आदित्यनाथ जब अलीगढ़ रैली करने के लिए पहुंचे तो वहां पर योगी योगी के और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसी दौरान योगी मंच पर चढ़े और उसके बाद ऐसी दहाड़ लगाई कि सामने से योगी योगी के नारे लगने लगे। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि कभी यूपी में बेटी और व्यापारी रात में सुरक्षित निकल पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ राम को ही नहीं लाते हैं बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उनका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रयागराज में जब माफिया तीक और अशरफ का खात्मा हुआ था उस दौरान भी लोगों की जुबान पर यही था कि योगी सरकार की वजह से ऐसा हो पाया, क्योंकि अतीक को मारने के बाद आरोपियों ने वहीं पर जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। इसके बाद मुख्तार की मौत के बाद भी परिवार का आरोप है कि उन्हें जहर दिया गया। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में खुलेआम ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके कुछ हफ्ते बाद ही अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया था। इसके बाद अब मुख्तार भी मिट्टी में मिल गया है। 2024 चुनाव के लिए योगी जहां भी रैली करने के लिए जा रहे हैं लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी सरकार में ही ऐसा हो पाया है, वरना कभी भी ऐसे माफिया नहीं खत्म होते। सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी ने पुलिस को खुली छूट देकर रखी है और यही वजह है कि पुलिस माफिया और अपराधियों को खत्म कर रही है। योगी बाबा के काम करने का तरीका कैसा है इसे इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि योगी का बुलडोजर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है। खबर है कि बाबा के आदेश पर यूपी पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मोस्ट वांटेड और माफिया अपराधी हैं। इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं सभी का खात्मा किया जा रहा है। किसी का राम नाम सत्य हो रहा है तो किसी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बाबा के बुलडोजर भी अपना काम कर रहे हैं और लगातार दहाड़ रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी पुलिस के सबसे खतरनाक और काबिल अफसरों को मैदान में उतारा है जो पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे। यूपी एटीएस और एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव है और अपना काम कर रही है। चुनाव से पहले अपराधियों के राम नाम सत्य का बयान देकर योगी ने फिर से हवा चला दी है। अगर ये हवा असर कर गई तो बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। वैसे योगी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान के बाद अब अपराधियों के राम नाम सत्य करने वाले बयान पर आपका क्या कहना है, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दें।